हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैंग एंड पैरोल। दोनों के डिफरेंस के बारे में जान लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग समझते हैं कि लैंग होता क्या है, उसके बेसिक चीज़ों के बारे में। तो लैंग की जब हम बात करें होते हैं, एक चीज़ बहुत क्लियर अपने माइंड में रखना है कि लैंग एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी आइडिया या अंडरस्टैंडिंग जो आपके दिमाग में होता है। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी चीज़ें आप याद कर रहे हो, कुछ भी आप पढ़ के जो आपके दिमाग में आ जाता है, जो दिमाग में बैठ जाता है, जो एक आइडिया के थ्रू आपके दिमाग में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग। ठीक है, इसको याद रखना है। इट मीन्स लैंग्वेज, जैसे एक लैंग्वेज के बारे में बात है ना, क्योंकि लैंग एंड पैरोल तो लैंग्वेज के बेस पर ही हम जानते हैं। तो लैंग मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज जिसको आपने माइंड में फीड किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड लैंग। ठीक है, उसका आपने यूज़ कहीं पे भी नहीं किया, और यूज़ भी कहाँ करना है? जब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, उसको समझ रहे हो, तो वो जो सेल्फ एनालिसिस होती है, वो जो लैंग्वेज होती है, वो आपका लैंग कहलाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट किसको हम मानेंगे? लैंग पैरोल। ठीक है, पैरोल सेकेंड थिंग आता है। तो जैसा हमने उसके बारे में बताया कि वो अब्स्ट्रैक्ट रहता है, तो ये होता है कंक्रीट फॉर्म में। कंक्रीट का मतलब होता है जब उसको आप माइंड से निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट। और कंक्रीट क्या है? आपका पैरोल है। ठीक है, तो बहुत ईजी है दोनों में समझना। जस्ट आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी बुक आपने उठाया, ठीक है, उस बुक में कोई भी लैंग्वेज लिखी है, या फिर आप किसी लैंग्वेज को ही ले लीजिए, लाइक हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी ले लो, या तो फिर इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश में जितने भी स्ट्रक्चर हैं या जितने भी बोलने के तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने सीख लिया। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने सीख लिया, बट जब आपको कहीं बोलना पड़ा, लाइक स्पोकन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज, तो वहाँ पे आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? कई बार होता है कि हमारे माइंड में सारी चीज़ें रहती तो हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ा, हमको इतना समझ में आया, बट जब हम उसका रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, कई बार हम कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कहना कर डालते हैं, या तो फिर कभी होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हम नहीं कह पाए हैं, और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझा पा रहे। तो हमारे माइंड में वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो पूरी तरह से है, मतलब लैंग की जानकारी हमको पूरी है, लैंग है। पैरोल के टाइम जब उसको यूज़ करना रहता है, जब सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको कम्युनिकेशन पे लाना रहता है, वो आपका पैरोल पे जाता है। तो दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर है, जो माइंड में होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग। और जब उसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं किसी लैंग्वेज को, तो वो कहलाता है आपका पैरोल। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। एक और रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए है किसी भी टॉपिक पे, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। कमेंट नीचे लिख ही दीजिएगा कि हमको इस टॉपिक पे चाहिए, मैं ज़रूर उसमें वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।